गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा की जो पद्धतियां हैं उसमें लास्ट पद्धति अंतर्दृष्टि द्वारा शिक्षा। अंतर्दृष्टि द्वारा शिक्षा एक बोधात्मक क्रिया के साथ जुड़ी हुई शिक्षा की प्रक्रिया है, जिसमें प्राणी और मनुष्य उस पर आई हुई समस्या के विषय में उसके भीतर से समझ प्राप्त होती दिखाई देती है। भीतर से मीन्स कि व्यक्ति खुद अंतर्दृष्टि करता है। अंतर्दृष्टि सर्वप्रथम एवं सबसे अधिक खोज उस कोहलर नाम के मनोवैज्ञानिक जो थे उन्होंने की थी। कोहलर नाम के समष्टिवादी थे वो, मनोवैज्ञानिक समष्टिवादी जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। आगे आपको मैंने समझाया था कि समष्टिवादी वो प्रत्यक्षीकरण में कि समष्टिवादी मनोवैज्ञान कोहलर, कोफका और वर्धीमर। तो ये कोहलर समष्टिवादी जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अंतर्दृष्टि द्वारा शिक्षण, अंतर्दृष्टि शब्द से ही पता चलता है कि व्यक्ति जब समस्या के अंदर घिरा जाता है या समस्या उसके सामने आती है तो वो पहले अपने अंदर अंतर्दृष्टि करता है और साथ बाद में वो प्रयत्न करता है किस तरह से उसका हल निकाले। जो कोहलर नाम के मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय कैनरी टापू पर चिंपांजी के पर प्रयोग किए थे। ये प्रश्न आपको शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है कि कोहलर नाम के मनोवैज्ञानिक ने कौन से टापू पर चिंपांजी पर प्रयोग किया था। कभी कभी कौन से टापू पर भी आता है, कौन से प्राणी पर भी क्या आता है, तो आपको दोनों अलग अलग प्रश्न लिखने हैं कि सबसे पहले कोहलर नाम के मनोवैज्ञानिक ने कौन से टापू पर प्रयोग किया था, तो कैनरी टापू पर, और दूसरा प्रश्न कौन से प्राणी पर किया था, तो कौन से प्राणी पर बच्चों बोलो, तो चिंपांजी। तो विविध ऐसे प्रयोग उन्होंने किए थे। तो प्रायोगिक अध्ययन करके उन्होंने अंतर्दृष्टि द्वारा शिक्षा के विषय में अविस्मरणीय योगदान दिया था। कोहलर मानते थे कि प्रयत्न एवं भूल द्वारा अभिसंधान ही शिक्षा प्राप्त करने की रीत नहीं है, परंतु अनेक विचारों से किसी परिस्थिति में गहन समझ एवं अध्ययन से संभव है। यानी कोई ऐसी परिस्थिति है उसमें व्यक्ति प्रयत्न खाली करता है तो भूल उसकी धीरे धीरे कम होती है, आगे अपने ने पढ़ा। उसी तरह से खाली सीखने की एक शिक्षा की रीत नहीं है, पर वो मानते थे कि कोई भी परिस्थिति, किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति गहन समझ एवं अध्ययन से वो सीख सकता है। किसी भी प्रकार की शिक्षा में प्राणी या मनुष्य में यदि अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है तो उसकी समस्या में शिक्षा के लिए अनेक असफल प्रयत्नों का अचानक अंत आने से उपाय सूझ उसको प्राप्त होती है। यानी कुछ सूझ उसको प्राप्त होती है जिसकी वजह से वो उसकी समस्या का हल कर सकता है। उन्होंने अलग अलग यहाँ अंतर्दृष्टि द्वारा अध्ययन पर शिक्षा, अंतर्दृष्टि द्वारा शिक्षा के लिए उन्होंने यहाँ तीन वर्ग में विभाजित करके अलग अलग तीन प्रयोग किए। तो सबसे पहला प्रयोग उन्होंने किया कोहलर का, चिंपांजी बंदर का प्रयोग। उत्क्रांतिवाद के सिद्धांत के अनुसार जाति के प्राणियों में, यानी कि निम्न जाति के प्राणियों में शिक्षा अनुकरण द्वारा प्राप्त होती है, लेकिन उच्च कक्षा के प्राणियों में अभिसंधान एवं अंतर्दृष्टि द्वारा शिक्षा प्राप्त होती है। अंतर्दृष्टि से प्राप्त होने वाली शिक्षा के लिए कोहलर ने बंदर की एक जाति चिंपांजी को पसंद किया। क्यों? क्योंकि बंदर अपने पूर्वज है, इसीलिए वो अंतर्दृष्टि कर सकते हैं। बाकी के निम्न जाति के प्राणी हैं वो जल्दी समझ पाते नहीं हैं, क्योंकि उत्क्रांतिवाद के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य जैसे विकसित मस्तिष्क केवल चिंपांजी एवं उरांग उटांग बंदर की एक जाति है जिसके पास ही होता है। ये अध्ययनों सिद्ध किया है कि उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत है उसमें स्पष्ट किया गया है कि चिंपांजी मानव मस्तिष्क जैसा, मानव का जैसा मस्तिष्क धारण है। उन्होंने चिंपांजी के समक्ष आई हुई विविध समस्याओं का उपाय किस तरह से लाता है इसके लिए समस्याओं के प्रकारों को चढ़ते क्रम में प्रस्तुत किया और अध्ययन किया, जिसमें दिलचस्प प्रयोग के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करने की सबसे सभी प्रयोगों में सब ये आपको प्रयोग में मजा आएगा। इसमें क्या किया कोहलर ने, तो सबसे पहला चढ़ते क्रम में समझ में आ गया। शब्दों से ही पता चलता है कि धीरे धीरे समस्या को जटिल करते जाते हैं। सबसे पहला प्रयोग है एक लकड़ी वाला प्रयोग आपको समझ में आकृति में दिख रहा है उस तरह से। कोहलर ने सरल से कठिन समस्याओं को लेकर चिंपांजी के ऊपर प्रयोग किया। यहाँ पर एक सरल समस्या का हल चिंपांजी किस तरह से करता है उसे देखते हैं। उन्होंने
भूखे चिंपांजी को पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे के बाहर चिंपांजी को दिखाई दे उस तरह से केले की लूम रखी गई। पिंजरे के पीछे की तरफ एक लकड़ी रखी। केले का लूम को लेने के लिए स्वाभाविक रूप से चिंपांजी क्या करता है, पहले सबसे पहले कोई थोड़ा लकड़ी लेगा ना, लकड़ी नहीं पर हाथ से पिंजरे के बाहर वो हाथ निकाला और लेने की कोशिश की। कभी पैर निकाल कर अधिक से अधिक प्रयत्न केले तक पहुंचने के लिए उन्होंने किए, बहुत लंबा होके तो भी केले की लूम लेने के लिए में चिंपांजी असफल रहा। अंत में परेशान होकर चिंपांजी पिंजरे के पीछे के भाग में जाकर बैठ गया। पहले तो क्या किया, पिंजरा था उससे बाहर हाथ खींच के उसको लेने की कोशिश की, पैर से किया पर वो ले पाया नहीं, थक गया। फिर क्या किया, पीछे जाके बैठ गया, जहाँ अचानक उसकी नज़र लकड़ी पर पड़ी। लकड़ी पर ध्यान जाते ही उसने लकड़ी उठाई तथा आगे के भाग में जहाँ केले की लूम पड़ी थी वहाँ जाकर लकड़ी द्वारा केले की लूम पिंजरे के नज़दीक खींचकर पिंजरे से दूर रखे हुए केले की लूम प्राप्त कर ली कि समस्या को हल किया। इस तरह से समस्या को हल करने के लिए चिंपांजी ने लकड़ी देखकर होने वाली चमक या उसकी अंतर्दृष्टि जिम्मेदार है। यहाँ क्या किस तरह से शिक्षा हुई, किसी ने सिखाया नहीं, अभिसंधान या कारक अभिसंधान की तरह नहीं, प्रबलन नहीं दिया है, पर यहाँ ऐसी परिस्थिति निर्मित की गई है कि जिसमें उसको खुद को अंतर्दृष्टि होती है और वो लकड़ी को देखकर फिर बाद में वो केले को प्राप्त कर लेता है। ये हुआ एक लकड़ी वाला प्रयोग। आगे है, कोहलर ने थोड़ा उसमें समस्या को जटिल किया, तो आगे का प्रयोग है दो लकड़ी वाला प्रयोग। कोहलर ने चिंपांजी के ऊपर अंतर्दृष्टि के विषय में एक प्रयोग किया। समक्ष थोड़ी अधिक कठिन समस्या रखी गई उनके समक्ष, चिंपांजी के समक्ष। उन्होंने केले की लूम पहले के प्रयोग से और दूर रखी। जो प्रथम प्रयोग की लकड़ी से चिंपांजी के हाथ में आई ऐसा संभव नहीं था, एक जो पहली लकड़ी थी वो उससे पहुंच पाया नहीं, ऐसा संभव ही नहीं था। और परंतु इस बार पिंजरे के अंदर एक छोटी लकड़ी रखी थी तथा पहली लकड़ी से बड़ी यानी कि लंबी दूसरी लकड़ी पिंजरे के बाहर रखी थी, जिसे चिंपांजी पिंजरे के भीतर रखी लकड़ी से पिंजरे के भीतर खींच सकता था। सर्वप्रथम चिंपांजी ने क्या किया, पिंजरे के भीतर पड़ी हुई लकड़ी से केले का लूम लेने का प्रयत्न किया। वो पहले का जैसा ही प्रयत्न करने लगा। क्या ज़्यादातर मनुष्य क्या करते हैं, कोई भी समस्या आती है तो अपने पुराने अनुभव के आधार पर जो समस्या है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो चिंपांजी ने भी ऐसा ही किया कि उसके सामने पहले एक बार उसने सफलता प्राप्त कर ली थी केले लेने की, तो जो अंदर भीतर रखी हुई जो लकड़ी थी पिंजरे के अंदर उसे उसने प्रयास किया केले लेने का, तो वो चिंपांजी है वो सर्वप्रथम उसने भीतर हुई लकड़ी के लूम लेने का प्रयत्न किया जिसमें सफलता न मिली, पर पिंजरे के भीतर की लकड़ी से पिंजरे के बाहर की रखी हुई लकड़ी को खींचकर अंदर लाया। फिर उसको थोड़ी समझ में आया कि वो बाहर लकड़ी रखी है, तो उसको छोटी लकड़ी से वो बाहर रखी हुई लकड़ी को खींच लाया। फिर बड़ी लकड़ी से केले को लूम को खींचने की कोशिश की, छोटी थी पर पता चल गया कि ये बड़ी है, तो बड़ी से कोशिश की, परंतु केले इस लकड़ी की लंबाई से भी दूर होने से चिंपांजी केला प्राप्त नहीं कर पाया। वह निराश होकर लकड़ियों से खेलने लगा। फिर बाद में क्या हुआ, बड़ी लकड़ी से भी वो लूम ना प्राप्त करा केला, तो क्या किया, थक गया और निराश हो गया। फिर बाद में क्या करने लगा, वो लकड़ियों से खेलने लगा। खेलते खेलते अचानक दोनों लकड़ियाँ आपस में जुड़ गई। लकड़ियों से जुड़ने से चिंपांजी को अंतर्दृष्टि आई और तुरंत दोनों लकड़ियों को उसने जुड़ने से बनी हुई एक लकड़ी बड़ी लकड़ी से द्वारा केले की लूम पिंजरे के खा जो खींच ली और खींच लाया, और इस तरह से उसने अधिक समस्या भी उसमें से अपनी अंतर्दृष्टि द्वारा हल कर दिया। तो ये दूसरे प्रयोग में क्या था, पहले में तो पिंजरे में क्या था, खाली एक लकड़ी थी, सामने केला था, तो उसने फिर केले से लकड़ी से केला खा लिया। दूसरे में क्या हुआ, और अधिक दूरी पर केला रख दिया गया, छोटी लकड़ी अंदर रखी गई, बड़ी लकड़ी बाहर रखी गई, छोटी से प्रयत्न किया नहीं हुआ, बाद में बड़ी लकड़ी को वो खींच के अंदर लाया, बड़ी लकड़ी से उसने केले प्राप्त करने का प्रयत्न किया तो भी वो नहीं प्राप्त हुए, निराश हो गया। बाद में क्या किया, लकड़ियों से खेलने लगा। खेलते खेलते अचानक दोनों लकड़ी आपस में जुड़ गई
और जुड़ने से चिंपांजी को अंतर्दृष्टि हो गई और बाद में तुरंत दोनों लकड़ियों के जुड़ने से वो बड़ी लकड़ी से उसने केले की लूम प्राप्त कर ली। अब आगे है तीसरा प्रयोग। तीसरा प्रयोग है लकड़ी के बॉक्स यानी खोखे का प्रयोग। कोहलर ने थोड़ी अधिक कठिन समस्या यहाँ प्रस्तुत की। चिंपांजी जो है अंतर्दृष्टि द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए चिंपांजी की क्षमता को परखा। इस प्रयोग के लिए कोहलर ने ऊंची छत वाले कमरे में 3 लकड़ी वाले बॉक्स रखे थे। इस ऊंची छत वाले कमरे में कोहलर ने छत के बीच में केले लटकाए थे। चिंपांजी ने केले देखकर कूदकर किसी भी प्रकार से वो केले प्राप्त करने के लिए अनेक असफल प्रयत्न किए। यानी आपको आकृति में जैसे दिख रहा है वैसे उसने बहुत सारे प्रयत्न किए। बाद में वो पहुंचता है, प्रयत्न किए और बाद में वो उसके बाद में कोने में लकड़ी के बॉक्स पड़े देखकर कमरे के बीच में लाकर उस पर खड़े होकर केले प्राप्त करने की कोशिश की, परंतु असफल हुआ। असफल कूद कर लेने का लेकर भी उसने प्रयास किया, वो भी असफल हुआ। बाद में जो बॉक्स पड़ा था एक, उसको लाकर उसमें बीच में रखकर उस पर चढ़कर केले प्राप्त करने की कोशिश की तो भी असफल हुआ। फिर निराश हो गया। अचानक उसका ध्यान कमरे में पड़े हुए अन्य बॉक्स के ऊपर गया। खेल में बॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रखते रखते अचानक उसे एक चमक आई, अंतर्दृष्टि हुई। तुरंत सभी बॉक्स को खींचकर कमरे के बीच में ले आया। पहले से बीच में रखे हुए बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखने का प्रयास करने लगा, परंतु बॉक्स गिर गए। इस तरह प्रयत्न लगातार जारी रखने से अंत में 3 बॉक्स गिरे नहीं, इस तरह एक के ऊपर एक रखता गया। 3 बॉक्स को रखने के बाद उन पर चढ़कर केले की लूम तक पहुंचकर केले की लूम प्राप्त कर ली। यह क्या हुआ, पहले सबसे पहले उसने इधर उधर प्रयास किए केले को प्राप्त करने के लिए, पर वो प्राप्त कर नहीं पाया। फिर बाद में कोने में एक बॉक्स पड़ा हुआ था, उसको देखकर उस पर चढ़कर वो प्रयत्न करने लगा, तब भी नहीं पहुंचा, निराश हो गया। बाद में अचानक उसका दूसरे बॉक्स पर उसका ध्यान गया। धीरे धीरे करके उसने बॉक्स सेट करने का प्रयत्न किया, पर वो नहीं हो पाए। फिर बाद में अच्छे से उसने दूसरे बॉक्स है जो वो उसको ठीक से रख दिए और बाद में उस पर चढ़कर उसने केले प्राप्त कर लिए। तो यहाँ पर कोहलर ने स्पष्ट रूप से चिंपांजी के द्वारा पहले प्राप्त शिक्षा के कारण अन्य समस्या में उपलब्ध साधनों का उपयोग करके समस्या हल किस तरह से होता है यह समझाया गया है। कोहलर ने जानकारी दी कि प्राणी समस्या हल की शिक्षा में एकदम अपरिचित विषय में प्रयत्न एवं भूल के प्रारंभ करके निश्चित शिक्षा पर प्रभुत्व प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त करने के बाद अन्य समस्या को हल करने में भी उसका उपयोग करता नजर आता है। पहली समस्या में क्या किया था, उसने लकड़ी से वो केला प्राप्त कर लिया, तो दूसरे में भी ऐसे प्रयत्न करने लगा, यहाँ भी ऐसे प्रयत्न करने लगा लकड़ी से, पर वो नहीं हो पाया। पर उसका धीरे धीरे फिर आगे उसकी निश्चित शिक्षा प्रभुत्व प्राप्त करने की क्षमता उसमें प्राप्त करने के बाद वो समस्या को हल कर सकता है। हार्लो नाम के मनोवैज्ञानिक के मत अनुसार पूर्व अनुभव के बिना अंतर्दृष्टि का विकास नहीं होता है। इस प्रकार की अंतर्दृष्टि की शिक्षा को प्राप्त करते समय प्राणी समस्त समस्याओं का तालमेल प्राप्त करके उसके तितर बितर छिन्न भिन्न भाग छिन्न छिन्न भागों को जोड़ता है और उसके संबंध को समझने का प्रयत्न करता है। उसे कोहलर अंतर्दृष्टि या आह अनुभव के रूप में परिचित करते हैं। आपको आह अनुभव, ऐसा प्रश्न भी शॉर्ट प्रश्न में आता है कि आह अनुभव किसे कहते हैं, तो या आह अनुभव किस शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो यह अंतर्दृष्टि की शिक्षा के साथ जुड़ा है, ऐसा प्रश्न आपको शॉर्ट में लिखना है। तो आह अनुभव मीन्स कि अचानक से व्यक्ति के मन में विचार आता है और परिचित पहले के जो होते हैं वो व्यक्ति को प्रयत्न किए होते हैं उसके आधार पर, वो अनुभव के आधार वो समस्या का हल करता है। समस्या का हल करने की शिक्षा में समस्यायुक्त परिस्थिति का संयोजन होने से समस्या हल करने की दिशा में उल्लेखनीय सुधारा दिखाई नहीं देता, परंतु अचानक कुछ क्लिक होने से आकस्मिक उसका हल हो जाता है। यानी बंदर के ये चिंपांजी के प्रयोग में क्या हुआ,
सभी समस्याएं अलग अलग थी, साथ में ऐसी परिस्थिति रखी गई थी, पर अचानक उसको क्लिक होता है पुरानी अनुभव के आधार पर, तो वो बाद में उसकी समस्या हल कर सकता है। इस तरह से पृथ्वी पर रहे हुए प्रत्येक सजीव को अपने जीवन की सुरक्षा के लिए एवं आसपास के पर्यावरण के साथ अनुकूल होने के लिए ये प्रस्तुत कोई ना कोई शिक्षा की रीत को अपनाना पड़ता है, जबकि एक से अधिक शिक्षा की रीतियों का उपयोग होता दिखाई देता है। प्रत्येक पृथ्वी पर जो मनुष्य है, सजीव है, वो इस प्रकार के जो आपको यहाँ पांच प्रकार की शिक्षा की पद्धतियाँ बताई है, उसका कहीं ना कहीं उसको पर्यावरण में अनुकूल स्थापित करने के लिए शिक्षा की ये कोई ना कोई रीत का उपयोग करना होता है। तो अधिक शिक्षा की रीतियों का उपयोग इससे एक या उससे अधिक एक भी करता है, कभी कभी सभी रीतियों का भी उपयोग करता है। तो आज के लिए आपका ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया, और आपको ये चैप्टर का पूरा स्वाध्याय ठीक से कर लेना है। साथ साथ में मैंने जो समझाते वक्त जो आपको बताया कि ये प्रश्न एग्ज़ाम में इस तरह से पूछने योग्य है, तो आपको वो प्रश्न आपको याद रखना है। पूरा ये चैप्टर आपको मैंने आगे पहले ही दिन बताया था कि ये चैप्टर 14 नंबर का है, आपको नोट करना हो तो कर लेना बुक्स में चैप्टर के सामने कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, एग्ज़ाम में कितने नंबर का पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स का इसमें भारण है कि 14 नंबर का यहाँ इस चैप्टर में से पूछा जाता है बोर्ड की एग्ज़ाम में। तो मैंने आपको बताया कि ये प्रयोग एग्ज़ाम में लायक है, ये प्रयोग सभी मैंने, ये भी लास्ट अंतर्दृष्टि वाला शिक्षा का प्रयोग, कोई ना कोई प्रयोग तीनों में से एक लकड़ी वाला, दो लकड़ी वाला या लकड़ी के बॉक्स के खोखे वाला प्रयोग, कोई भी प्रयोग एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको ये भी प्रयोग याद करना है। अंतर्दृष्टि द्वारा शिक्षा कौन से मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किया था, तो कोहलर ने। कौन से प्राणी पर, चिंपांजी पर। कौन से टापू पर, कैंड्री टापू पर। कितने प्रयोग किए, तीन प्रयोग किया। कौन सी, पहला एक लकड़ी वाला, दूसरा दो लकड़ी वाला और तीसरा लकड़ी के बॉक्स वाला। तो कोई भी जो प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि आगे कि कोहलर के चिंपांजी का बॉक्स का प्रयोग समझाइए, दो लकड़ी वाला, तीन लकड़ी बॉक्स वाला, तो आपको ये लिखना है। तो ये प्रयोग ऐसा भी 5 मार्क्स में प्रश्न, 3 मार्क्स में ऐसा एक प्रयोग पूछा जाता है, और 5 मार्क्स में पूरा प्रश्न ऐसा हो पूछा जाता है कि कोहलर के चिंपांजी के प्रयोग की जानकारी देकर प्रयोग को सविस्तार समझाइए। तो पूरी डिटेल से पूरा ये तीनों तीन प्रयोग आपको लिखना होता है, और बहुत ईजी है, खेल खेल में आप उसको याद कर सकते हो। खाली इतनी बातें जो मैंने आपको बताई कि इतना इतना याद रखना है। तो आपको ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ। ये चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, भूलना नहीं। और गुड बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।